हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंदौरी चैटर। तो यार, आज एक नए ब्लॉग से आपके सामने आ चुके हैं। आज हम कहाँ आए हैं? आज हम लोग आए हैं सोलारिस, और हमारा बहुत ही बढ़िया से कोलैबोरेशन हुआ है सोलारिस के साथ। मेरे को क्या है वो कोलैबोरेशन? यार, सोलारिस होटल रिजॉर्ट हम आए हैं राजीव गांधी पे। यहाँ पे मतलब हमारे कोलैबोरेशन में आपको पूरा बताएंगे। यहाँ पे अगर आप कोई अपना वीकेंड प्लान करे, कोई पार्टी प्लान करे, वेडिंग प्लान करे, तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ का खाना बहुत अच्छा है सुना था, तो चिकू भाई जल्दी से अपन चले अंदर, पूरी प्रॉपर्टी दिखाएं। बिल्कुल जल्दी से चलते, पर पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, रूम टूर देंगे और प्रॉपर्टी दिखाएंगे। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने, और जो रेस्टोरेंट पे आए हैं ना, उसका नाम है द फ्रंटियर पवेलियन। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, सारी चीज़ें देखते हैं कैसा क्या है, पूरा सर्व करवाते हैं और मिक्कोर में साथ में टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो हमारा ब्रेकफास्ट स्प्रेड है वो आ चुका है। मेरे सामने है इडली है, यहाँ पर आलू का पराठा है, यहाँ पर है अपना इंदौरी पोहा, यहाँ अपन आके देखेंगे ना, यहाँ पर है अपना उत्तपम है, डोसा है, अगर आपको एग पसंद है तो आपको एग में ऑमलेट मिल जाएगा, और फ्रूट्स रखे हुए हैं, कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए हैं। तो अब मिक्कू है ना, शायद वॉशरूम गया हुआ है, बस वो आने में ही है, उसके बाद अपन टेस्ट करते हैं इसको। कोई कहीं नहीं है, कोई कहीं नहीं है, यहीं। अरे क्या बात है, जल्दी से टेस्ट करते हैं, बहुत देर हो गई थी, भूख लग रही है ब्रेकफास्ट की। बिल्कुल बिल्कुल, तो जल्दी से टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है, क्योंकि सुना है यहाँ का जो खाना है ना वो वाकई लाजवाब है। मतलब इंदौर में दूर दूर से और इंदौर के बाहर से भी जो लोग आते हैं खाने की तारीफ करते हैं। और आपने जो फ्रेम्स में देखा होगा ना, तो वो देख के भी आपको एकदम टेम्पटिंग लगा होगा। बिल्कुल, मैं आलू का पराठा खा के देखता हूँ कैसा है। बहुत बढ़िया आलू का पराठा है। अंदर का स्टफिंग की बात करूँ ना, आलू के साथ हरी मिर्ची का जो थोड़ा सा एक ब्लेंडेड टेस्ट आ रहा है ना, थोड़ा फीका, थोड़ा एकदम चरखा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो एकदम इन्फ्लुएंस हो रहा है मुंह में उसका टेस्ट। अच्छा मिक्कू, ये जो इडली है, ये इडली कम से कम इसको 15 से 20 मिनट रखे हुए हो गए हैं, पर ये एकदम फ्रेश है। सांभर बहुत अच्छा है, चटनी ये वाली जो है ना, ये वाली चटनी आप देखोगे तो ये यार भाई नेक्स्ट लेवल चटनी है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। इंदौरी पोहा ट्राई कर ले, इंदौरी पोहा ट्राई करो यार। डोसा भी यहाँ पे मतलब आपको ना नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और इंदौरी, ये तीन चीज़ें आपको मैंडेटरी मिलेंगी ही सोलारिस में अगर आप आओगे ब्रेकफास्ट करने तो। भाई साहब, अच्छा अगर आप यहाँ पे स्टे करने आते हो और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते हो अपने रूम के साथ, तो वो 350 रुपीज़ के अराउंड आपको बैठता है, जो काफ़ी अच्छा है मेरे साथ। बहुत अच्छा है, 350 रुपीज़ में आपको इतना सारा ब्रेकफास्ट मिल रहा है, तो वर्थ इट है। और साथ में आपको पाइनएप्पल जूस मिलता है बढ़िया सा। ये क्या है? ये पी के नहीं देखा जीवन, आप पी के बताओ क्या है। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक वेनिला शेक है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। पाइनएप्पल टेस्ट एकदम ऐसा लग रहा है अभी हाथों हाथ निकाला है पाइनएप्पल से जूस, क्या बात। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा डोसा भी टेस्ट कर लेते हैं कैसा। बिल्कुल बिल्कुल, डोसा बढ़िया है, चटनी बहुत अच्छी है, मसाला डोसा है। थोड़ा सा उत्तपम भी खा लें। बिल्कुल, आधा आधा खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो अपने फ्रूट्स रखे हुए हैं ना, एकदम फ्रेश है और ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट कर रहे हैं। एक उत्तपम में ना इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि आप उसको बिना अगर सांभर के खाओगे तो आपको उसका बेसिक टेस्ट आना चाहिए। बहुत बढ़िया यार ओवरऑल। अच्छा, एक एग की वैरायटी मिलती है आपको, बॉयल एग मिल सकता है, ऑमलेट मिल सकता है। बिल्कुल ओवरऑल बहुत ही बढ़िया। जल्दी से रूम में चलते हैं। हाँ, पूरा रूम टूर भी देंगे और फिर आपको बताएंगे यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। बिल्कुल, तो यार बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया, जल्दी से जल्दी आपको रूम दिखाते हैं। चीकू भैया जो है वो ऑलरेडी रूम में पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से आप रूम टूर चलते हैं। और ये जो पैसेज बना हुआ जो पाथ है वो बड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब जो एक वाइब आ रही है ना यहाँ की, बहुत अच्छी वाइब है। तो ये 316 रूम में अपने को अलॉट हुआ था। चीकू भैया को बुलाते हैं अपन अंदर से। चीकू भैया। हाँ बिल्कुल, कैसा है रूम? यार रूम अभी तक बहुत बढ़िया है, यहाँ पर एसी भी एकदम जैसा अपने को चाहिए वैसा एसी है, और बेड बढ़िया है। यहाँ पर आपको अलग से सेटिंग मिलेगी, अगर आपको यहाँ पर ऐसा बैठ के मस्त कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, और व्यू अच्छा है, एंजॉय कर सकते हो आप, मज़ा आएगा। वॉशरूम, मेरे को वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशरूम दिखा दो एक बार जल्दी से चलते। तो ये आपका थोड़ा सा इधर वार्डरोब वाला एरिया हो जाता है अगर आप लंबा स्टे करने के हिसाब से आ रहे हैं तो। ये सिंक है, इधर WC है, और इधर है बाथिंग एरिया, इधर एक कांच भी लगा हुआ है। तो ओवरऑल चिकू भैया रूम मतलब बहुत अच्छा है, यहाँ का एक अच्छे रूमों में से एक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रूम है जो आपको सोलारिस में यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल, और फॉर फर्दर टैरिफ इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, तो जैसा अभी आपको बताया, पहले ब्रेकफास्ट बताया था, फिर रूम टूर दिया, अब बात आती है कि भैया यहाँ पे क्या क्या हॉल्स हैं और क्या क्या लॉन्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे टेनिस लॉन है,
जो यहाँ के जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं, जो क्लब मेंबर्स हैं, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो अगर विजिटर हैं तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। जो उस स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आप टेनिस तो खेल सकते हैं, टेनिस का बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, और साथ ही साथ ये अगर एक कोई वेडिंग फंक्शन है जो 500 से 1000 लोगों के कुछ होने वाला हो बीच, तो वो भी वहाँ हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूल साइड पे बढ़िया जो आजकल ट्रेंड होता है, जैसे फेरे होते हैं पूल साइड पे, और पूल साइड पे शादियों का जो ट्रेंड है वो भी सोलह हिसाब को देता है। बकायदा यहाँ पे स्विमिंग पूल है बहुत बढ़िया, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ों का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे एक डॉल्फिन हॉल है जहाँ पे आराम से 350 लोगों की गैदरिंग आप कर सकते हैं, और यहाँ पे दो हॉल और हैं जो उस तरफ हैं, तो हम वहाँ चलते हैं और वहाँ आपको बताएंगे वो कैसे हैं। तो मिक्कू ने आपको बढ़िया से बताया था डॉल्फिन हॉल, तो यहाँ पर दो हॉल्स और अवेलेबल है, एक है एस्टेला और एक है एलन, एलन नाम सही है जी। तो एस्टेला की जो कैपेसिटी है वो है 250 और एलन की है 60। अभी वहाँ पे बढ़िया सी कॉन्फ्रेंस चल रही थी इसलिए अंदर से नहीं दिखा पाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर बारिश के सीजन में वेडिंग प्लान करते हो तो यहाँ पर डोम सेटअप भी अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार, और 2000 प्लस लोग एक साथ वेडिंग अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है। जल्दी से चलते हैं लंच करने। तो अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं लंच करने द फ्रंटियर पवीलियन पे, और यहाँ पर लंच करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो कुजिन्स हैं यहाँ का, टेस्ट करेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेन्यू, बहुत बड़ा मेन्यू, जैसा ब्रेकफास्ट में मजा आया था वैसा ही यहाँ भी बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। अभी बहुत अच्छा कंडीशन हो गया, थोड़ा सा पानी गिरा, लंच का बहुत बढ़िया 2:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी। जल्दी से चलते मेन्यू दिखाते और लंच करेंगे, मजा आने वाला है बहुत बढ़िया। और जो भी चीज़ आपको जानना है डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। तो हमारे सामने आ चुका है हमारा लंच का स्प्रेड, थोड़ा सा बढ़िया सा मौसम हो चुका है, बारिश आ रही थी साइड में, और जो हमारी सूप है ना इसका नाम है स्पाइसी नूडल ब्रॉथ सूप। तो जल्दी से मेरे को उसमें टेस्ट करके देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। इसके अंदर ब्रोकली है, बेबी कॉर्न है, और गार्लिक का मैंने सुना बहुत बढ़िया टेस्ट है, मेरे को थोड़ा सा शेफ ने बताया था। कैसा है? जैसा मेरे को ने बोला, गार्लिक का बढ़िया टेस्ट है, इसके अंदर नूडल का टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, इसके अंदर कॉर्न का टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। बेसिकली अगर आपका थोड़ा सा गला खराब है ना तो आप ये वाला सूप पी लोगे, मज़ा आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया सूप है। क्या बोलते हो? हॉट एंड सॉर नहीं है, कुछ अलग है, कुछ अलग है। अब चिको भैया, हाँ स्टार्टर पे जाए, पनीर ते पे ते, बिल्कुल पनीर, ये कुछ हाँ इसका जो नाम है ना पनीर ते पे ते, ते पे ते नाम है इसका। जल्दी से मैं सर्व करता हूँ और टेस्ट करके देखते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक स्पेशलिटी जो मेरे को अभी देखने पर नजर आई कि स्टफ्ड है ये, मतलब पनीर के अंदर आपको स्टफिंग मिलेगी, शायद गार्लिक या किसी चीज़ की स्टफिंग है वो। आप ये देखोगे ना तो आपको दिखेगी इसके अंदर स्टफिंग, और जल्दी से इसको टेस्ट करता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं भी टेस्ट कर लूँगा चिकू भैया के साथ साथ। वाह मज़ा आ गया, बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब ये थोड़ा सा मलाई पनीर टिक्का का रिजेम्बलेंस है, पर अंदर जो गार्लिक का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो स्टफिंग है, स्टफिंग में आपको हल्का सा गार्लिक का फ्लेवर आएगा, और ऊपर और नीचे पनीर मिलेगा आपको एकदम मलाई वाला, बहुत ही बढ़िया है, एकदम क्रीमी टेस्ट। बिल्कुल, मतलब अभी सूप और स्टार्टर तो बहुत बढ़िया है। जल्दी से मेन कोर्स पूरी प्लेट लगाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। तो अभी मैंने प्लेट में जो सब्जियां ली है ना, हाँ। उनके नाम पढ़ते पढ़ते मेरे को 5 मिनट लग गए, मतलब वो जो कुजीन है ना वो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट कुजीन है, अगर आप समझ जाएं तो समझ जाइएगा। हाँ। इसका जो नाम है वो पढ़ के बताना पड़ रहा है, जो मेरे पास पनीर की सब्जी है उसका नाम है केसर है पुख्तान, फिर जो दाल है उसका नाम क्या चिको भैया? दाल पवेलियन। और ये जो सब्जी जो आप देख रहे हो जिसके ऊपर पोमोग्रेनेट अनार के दाने डाल रखे थे उसका नाम है भैया सब्ज कह कसन। का मैंने पूछा ऐसा क्यों है तो बताया गया कि जो तारे रहते हैं अगर वो एक ग्रुप में जमा हो जाते तो उन्हें भी बोलते कह कसन, तो सब्ज कह कसन, मतलब वो थोड़ा सा वहाँ से रिजेम्बलेंस लिया गया जो दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग है। अच्छा एक चीज़ और, जब ये दाल पवेलियन ली जा रही थी तो मिक्को ने अपनी परंपरा चालू रखी कुछ ना कुछ गिराने की, तो इस बार इसने दाल पवेलियन गिरा दी, थोड़ी सी प्लेट में गिरती है, इतना तो माइनर आपके साथ भी होता होगा। जल्दी से टेस्ट करते हैं, मैं टेस्ट करता हूँ चिको, आप क्या करोगे? मैं दाल पवेलियन, मैं टेस्ट करता हूँ क्या करूँ सब्ज कह कसन, टेस्ट कर लेते हैं अपन। बेस्ट दाल जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में खाई है। बिल्कुल, इसके अंदर 100% आपको एकदम बटरी फ्लेवर मिलेगा, इसके अंदर आपको क्रीमी फ्लेवर मिलेगा, और इसके अंदर अपन एक तरीके से बोलते हैं ना जो दाल मखनी रहती है, सारी चीज़ें उसमें दाल मखनी ऐसी नहीं है, बट उसमें सारी वेजीज आपको मिलेंगी, अच्छा टेस्ट है, मतलब एकदम
ऐसा रहता है ना, आपको ज़्यादा स्पाइसी सब्जी नहीं पसंद है और आपको कोई अच्छा खाना है, थोड़ा सा एकदम बोल सकते डिलीशियस कुछ खाना है थोड़ा सा, तो वो आपको सब कह कसन में आपको मिलेगा। अभी जो पनीर की सब्जी है अपनी, इसका नाम क्या था चिकू भैया? कसर ए पुख्तान। कसर ए पुख्तान, तो इसको भी टेस्ट कर लेते। इसमें थोड़ा सा चीज़ रहता है सब्जी में, प्रिपरेशन में एकदम रिच सब्जी बोल सकते हैं। हाँ, पनीर वाली। वो दिखने में एकदम टेम्प्टिंग दिख रही है। मलाईदार क्रीमी टेस्ट है ओवरऑल। ये भी थोड़ी सी स्वीट साइड है, बट देन टू ये शेफ स्पेशल थी। हाँ, और ये वाकई शेफ स्पेशल है। अगर आप यहाँ के खाओगे ना तो आपको समझ आएगा कि शेफ स्पेशल क्यों है। ओवरऑल अभी तक ये जो इतना हमने स्प्रेड लिया था, जो खा रहे हैं ना, मतलब एक ऐसा टाइम था कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और उस भूख को मिटाने के लिए बहुत अच्छा खाना मिल चुका है। अभी पूरा ख़त्म करते फिर आपको हमारा पूरा एक्सपीरियंस देंगे, छोटा सा ब्रीफ करेंगे कि भैया ओवरऑल कैसा लगा और आपको यहाँ आने की एक वजह और देंगे क्यों आना चाहिए। तो यार गाइस, ये था वीडियो सोलारिस का, जो कि बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट यहाँ पे सर्व हुआ, बहुत ही बढ़िया लंच सर्व हुआ। लास्ट में जो नटी ब्राउनी खाई थी ना, वो भी बहुत बढ़िया थी। देखो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया जगह है। अगर आप आ रहे हो, अगर आप कुछ वेडिंग प्लान करें, कुछ इवेंट प्लान करें, कोई पार्टी प्लान करें, तो सोलारिस आके प्लान करो, मज़ा आएगा। अच्छा, और अगर आप वीडियो देख के यहाँ पहुँच रहे हो, डिस्क्रिप्शन पे जरूर बोलना कि हम वीडियो देख के हैं, तो कुछ सरप्राइजेस जो आपको मिलेंगे। अगर कोई बड़ी पार्टी तो बड़ा सरप्राइज, छोटी है तो छोटा सरप्राइज मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ओवरऑल बहुत बढ़िया चीज़ आपको कैसा लगा? ओवरऑल बहुत बढ़िया है। वेडिंग प्लान कर रहे हो ना, इंपॉर्टेंट चीज़ दो चीज़ें रहती है, एक तो अरेंजमेंट्स कैसा है और खाना कैसा है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मिलेगी। इस वीडियो को इसी नोट के साथ यहीं पर एंड करते, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।